हिमाचल प्रदेश के सतलुज तट क्षेत्र में परंपरा के अनुसार सुहागन महिलाओं की बी माँ यानी कि विधि माता की हर रोज सुबह भूखे पेट पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के पहले रविवार को लकड़ी की तख्ती में सृष्टि से जुड़ी वस्तुओं को उकेर कर ब्राह्मण परिवार की महिलाएं उसे घर में स्थापित करती हैं। इसमें 16 जोड़े दाने चावल के हैं, 16 फूल और 16 ध्रुव रखी जाती हैं। उसके बाद ज्येष्ठ माह के प्रथम रविवार से 15 दिनों तक सुहागने सुबह भूखे पेट पूजा करती हैं और पूजा के बाद बुजुर्गों को कथा भी सुनाती हैं। 16वें दिन साय को बी माह का आसपास की बावड़ियों के पास जाकर जल पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है। उसके बाद ही महिलाएं आपस में आटे व गुड़ के बने हुए लड्डू बांटती हैं और बुजुर्गों से आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। शिमला जिला के रामपुर व शिंगला में सुहागन ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं ने बी माह पर्व विधि विधान के साथ धूमधाम के साथ मनाया। शिंगला में महिलाओं ने विधि माता का विसर्जन नर्सिंग बाउंड्री में पूजा पाठ के बाद किया। शिंगला गांव की सरला देवी ने बताया कि गांव की सभी सुहागन औरतें बी माह का पूजन करती हैं और एकत्रित होकर विशेष गाना गाते हुए नर्सिंग बाउंड्री में जाती हैं। वहां अपने परिजनों की दीर्घ आयु की कामना करते हुए पूजा करती हैं। मेरा नाम सरला देवी है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। हम भी माता का पूजन विधि विधान से करते हैं। हम सब औरतें सुहागन अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए करते हैं और घर से गान बजान के साथ ले आते हैं बावड़ी के पास, और जहाँ जल का प्रवाहित होता है वहाँ इस भी माता को विसर्जन करते हैं, और सभी औरतें फिर वापसी में गान बजान के साथ एक दूसरों को अपना स्वागत बांटते हुए वापसी घर की ओर जाती है। वहीं सपना ने बताया कि ज्येष्ठ माह में बी माह का त्योहार होता है। इस दौरान सुहागन औरतें सुबह उठने के बाद नहा धोकर बी माह की फूल पत्तियों से 15 दिन तक पूजा करती हैं। 16वें दिन बावड़ी के पास जाकर बी माह का विधिवत रूप से विसर्जन भी किया जाता है। जेठ महीने में हमारे भी माँ बैठती है घर में, सुहागन औरतें इसकी पूजा करती है। सुबह उठ के जैसे 6 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर फूल पत्ती लेके फिर पूजा करते हैं इसकी। और 16 दिन में जैसे बैठती है भी माँ सुबह पूजा उठ के पूजा करते हैं, 16 दिन के बाद 16वें दिन हम इसकी वो विदाई करते हैं बॉडी के पास जाके। सभी सुहागन औरतें बॉडी के पास जाके इसकी विदाई करते हैं। भी है हाँ जी। और हमारे ये क्या बोलते हैं भी माँ बैठती है, ये संडे को बैठती है, पहले संडे को हमारे जेठ महीने में सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये हमारा, और इसकी हम पूजा करते हैं 16 दिन में जो द्रुबा से और क्या बोलते फूलों वगैरह से। और आज हमारा लास्ट दिन था, 16 दिन के बाद हम फिर इसकी विदाई करते हैं बॉडी के पास, फिर सारी औरतें यहाँ इकट्ठा होकर इसकी पूजा करती है। शिंगला निवासी दिनेश ने बताया कि आज ये परंपरा के अनुसार बी माता यानी कि भाग्य की विधाता देवी का विसर्जन होता है। ये ज्येष्ठ माह के प्रथम रविवार को इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद नित्य 15 दिन तक विधात्री देवी का महिलाएं अपने घर में आह्वान कर पूजा करती हैं और 16वें दिन इसका विसर्जन किया जाता है। मैं दिनेश गौतम ग्राम शिंगला का निवासी हूँ। आज जैसे आपने देखा, आज हमारा अधिष्ठात्री देवी माँ विधात्री बी माँ के रूप से जिसको हम पूजन करते हैं, आज उसका अंतिम दिन था, विसर्जन होता है भगवान नृसिंह के मंदिर में, वैसे बावड़ी में होता है जहाँ बहता जल हो। तो ये हमारे जेठ मास का प्रथम रविवार जो आता है, इस दिन इसकी स्थापना होती है और विधि विधान से इसका पूजन होता है। खासकर हमारी जो सुहागने माँ बहने हैं ये इसका स्थापन दिवस मनाते हैं और उसमें पूजन करते हैं। प्रतिदिन नित्य इसका जो है व्रत में ही पूजन किया जाता है, तदुपरांत भोजन करती है। दिन को इसको पूजन के बाद इसकी जो कथाएं हैं वो आपस में सुनते हैं। उसके बाद जो है प्रतिदिन नित्य इनका जो है तदुपरांत ये भोजन इत्यादि करते हैं। और आज इसका अंतिम दिन था और 16वें दिन जो है ज्येष्ठ मास में ही 16वें दिन इसका मैया का विसर्जन होता है। और आज फूल पत्तियों से जो है एक दूसरे को जो सुहागन बहने हैं माँ से जो है आशीर्वाद लेती है और एक दूसरे को जो है पुष्प अर्पित करके है बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं, भगवान नृसिंह का आशीर्वाद देती हैं, आज इनका विसर्जन देता इस प्रकार से।